जय हिंद, नमस्कार। वॉर रूपी टू पर लोकसभा में फिर क्वेश्चन आंसर हुए और साथ में वॉर रूपी एरियर और उस पर ब्याज की बात जो कही जा रही थी उस पर भी यहां पर सरकार ने जवाब दिया। जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। तो यहां जो प्रश्न है, भारत सरकार से लोकसभा में पूछे गए थे वन बैंक वन पेंशन की कार्यान्वयन यानी कि उसके इम्प्लीमेंट के बारे में, और यहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे श्री राजमोहन उन्नीथन के द्वारा रक्षा मंत्री से। पहला क्वेश्चन था कि क्या सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में वन रैंक वन पेंशन यानी कि वॉर रूपी टू को 15 दिसंबर 2022 से पहले कार्यान्वित कर दिया है यानी कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। यदि इम्प्लीमेंट कर दिया है वन रैंक वन पेंशन को 15 दिसंबर 2022 से पहले तो इसके संबंध में क्या ब्यौरा है, और यदि नहीं किया है तो इसके क्या कारण है। अगला उनके द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन था कि क्या पीसीडी ने 1 जुलाई 2019 से अब तक की अवधि के लिए दूसरे ओआरओपी में यानी कि ओआरओपी 2 में कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंट में हुई देरी के लिए पूर्व सैनिकों को मुआवजा देने पर विचार किया है, और यदि विचार किया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यानी कि उसको जो एरियर है उस पर मुआवजा देने की बात, उस पर इंटरेस्ट देने की बात पर विचार किया है, और यदि किया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अगला क्वेश्चन था कि क्या भारत सरकार का विचार 1 जुलाई 2014 से कार्यान्वित वारूपी से संबंधित पूर्व सैनिकों की शिकायतों को देखने के लिए गठित ओएमजीसी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का विचार है या नहीं है, और यदि है विचार है सरकार का तो संबंधित ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। यहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे, लोकसभा में रक्षा मंत्री थे, तो इन सभी का आंसर रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट के द्वारा दिया गया है। और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16 मार्च 2022 की वन रैंक वन पेंशन के अपने आदेश को कार्यान्वित करने की अवधि को दिनांक 15 मार्च 2023 तक का विस्तार प्रदान किया है। सरकार ने रक्षा मंत्रालय की दिनांक 4 जनवरी 2023 की पत्र के द्वारा दिनांक 1/7/2019 से वारूपी के तहत सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन संशोधन हेतु आदेश जारी किए हैं। दिनांक 20 जनवरी 2023 को प्रत्येक रैंक और प्रत्येक श्रेणी हेतु पेंशन तालिकाओं सहित विस्तृत अनुदेश जारी कर दिए गए हैं जारी किए। आगे उन्होंने यहाँ पे आंसर दिया कि रक्षा बल कर्मियों के लिए पेंशन संबंधी मामलों पर सरकारी आदेशों नीतियों हेतु पीसीडीए यानी कि जो प्रिंसिपल कंट्रोलर और डिफेंस अकाउंट है वहां जो है कार्यान्वयन एजेंसी है यानी कि उसको वही देखती है, पीसीडीए ही इन मामलों को देखती है। दिनांक 1/7/2019 से वारूपी के तहत सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों फैमिली पेंशनर्स की संशोधित पेंशन के भुगतान हेतु आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर उन्होंने जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, यानी कि जो ब्याज देने की बात कही गई थी एरियर पर, यदि सरकार एरियर देने में देर करती है तो एरियर पर ब्याज मिलेगा, तो उसकी बात यहाँ पर उन्होंने नकार दी है, उस पर कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया है। आगे जो क्वेश्चन थे उनके कि वर्तमान में सरकार के द्वारा सदस्यीय न्यायिक समिति ओएमजीसी की सिफारिशों के संबंध में अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, और यहाँ पर उन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया है कि जो आरओपी 2 के तहत कितने पूर्व सैनिकों को अभी तक जो है पैसा दे दिया गया है, और कितनों को अभी देना बाकी है, और कितने धनराशि दी जा चुकी है। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर उनके द्वारा दिए गए, लेकिन सभी जो क्वेश्चन थे गोलमोल आंसर उनके थे जो कि सरकार या फिर पॉलिटिशन देते हैं। यहाँ पर कोई ठोस जो आंसर है वहाँ उनके द्वारा नहीं दिया गया। तो ये थी जानकारी, आज के इतना ही। जय।